डायना आज हॉस्पिटल आई है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। वह एक सिंगल मदर है। वह अपनी बच्ची को पहली झलक देखकर रोने लगती है क्योंकि उसकी बेटी टाइम से पहले ही पैदा हो गई थी और उसको बहुत सी बीमारियां होती है। अब हमें 18 साल बाद दिखाया जाता है। अब डायना की बेटी क्लोवी भी बड़ी हो गई है लेकिन वह चल नहीं सकती थी क्योंकि वह पैरालाइज होती है। वह अब तक सिर्फ दवाओं पर जिंदा थी। क्लोवी बचपन से इसी घर में रह रही है और वह अभी तक स्कूल भी नहीं गई है। उसकी माँ उसे घर पर ही पढ़ाती थी। क्लोवी को साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी इसीलिए वह कॉलेज जाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद डायना बाहर से सामान लाती है तो क्लोवी उसमें चॉकलेट ढूंढने लगती है। उसे उसमें एक ग्रीन कलर की दवा मिलती है जिसमें उसकी माँ का नाम लिखा था। अमेरिका में जिसकी दवा होती है उसका नाम लिखा होता है। रात को उसकी माँ जब उसे वही वाली दवा खिलाती है तब क्लोवी उनसे पूछती है कि दवा में तो आपका नाम लिखा था। उसकी माँ उसे समझाती है कि वह उसी की दवा है, डॉक्टर ने दवा बदल दी है। अब उसे अपनी माँ पर शक होने लगा था फिर भी वह दवा खा लेती है। अगली सुबह जब उसकी माँ घर पर नहीं होती है तो वह दवा चेक करने के लिए जाती है कि वह जो दवा खा रही है वह किस काम में आती है। लेकिन इस बार दवा के डब्बे पर उसी का नाम था। जब वह रैपर को हटाती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि दवा पर उसकी माँ का नाम था। तभी उसकी माँ घर आ जाती है और वह पढ़ने का नाटक करने लगती है। एक दिन क्लोवी डायना से जिद करती है कि उसे मूवी दिखाने ले चले। उसकी माँ रेडी हो जाती है। क्लोवी अपने साथ अपनी सभी दवा ले लेती है। मूवी देखते टाइम क्लोवी बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आ जाती है और वह सामने वाली फार्मेसी पे जाती है। यह वही फार्मेसी थी जहाँ से उसकी माँ उसके लिए दवा लाती थी। क्लोवी उसे ग्रीन वाली दवा देकर पूछती है कि यह कौन से काम में आती है। फार्मेसी वाली उसे बताती है कि यह दवा कुत्तों की मसल को मजबूत बनाने के लिए है ताकि वह जल्दी से गुरु हो जाएं। क्लोवी बहुत परेशान थी कि उसकी माँ उसे यह दवा क्यों खिला रही है। क्लोवी पूछती है कि अगर यह दवा इंसान को दी जाए तो क्या होगा। वो बताती है कि इंसान के पैर सुन हो जाएंगे और वह काम नहीं करेंगे। क्लोवी यह सुनकर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और क्लोवी को घर ले जाकर रूम में लॉक कर देती है। क्लोवी खिड़की तोड़ कर रूम से बाहर आ जाती है। क्लोवी सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश करती है लेकिन वह सीढ़ियों से गिर कर नीचे आ जाती है। उसके पेट में बहुत तेज से चोट भी लग जाती है। वह व्हील चेयर पे बैठ कर बाहर आ जाती है। क्लोवी का रोड पर एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। यह वही ड्राइवर था जो क्लोवी के कॉलेज का लेटर लाता था। क्लोवी उसे सारी बात बताती है कि उसकी माँ उसके साथ क्या करती है। टॉम उसे पुलिस के पास ले जाने के लिए तैयार होता है। तभी डायना आ जाती है और रोते हुए पूछती है कि क्या हुआ मेरी बेटी को। टॉम उसे बताता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। डायना क्लोवी को घर ले जाना चाहती थी लेकिन टॉम उससे बोलता है कि पहले उसे हॉस्पिटल ले जाना है। डायना मान जाती है। जैसे ही टॉम पीछे मुड़ता है डायना टॉम को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। क्लोवी भी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक बेसमेंट में होती है। वहाँ पर उसे कुछ लेटर मिलते हैं। क्लोवी लेटर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि यह लेटर उसके कॉलेज से आए थे और उसके कॉलेज वाले क्लोवी को एडमिशन देने के लिए तैयार थे लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा था कि कॉलेज से कोई भी लेटर नहीं आए थे। तभी क्लोवी की नजर एक फाइल पर जाती है जिसे छुपा कर रखा गया था। क्लोवी को उसमें उसकी डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें एक न्यूज पेपर भी होता है जिसमें एक कपल का बच्चा खो गया था और वह सभी से मदद मांग रहे थे। तभी कहानी 18 साल पीछे चली जाती है जब डायना ने अपने बच्चे को जन्म दिया था लेकिन उसका बच्चा ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा। डायना बड़ी चालाकी से एक बच्चे को चुरा लेती है और उसका नाम क्लोवी रखती है। बचपन में क्लोवी के पैर ठीक थे लेकिन डायना ने उसे जानबूझकर गलत दवा दी थी ताकि वह चल ना सके और उससे दूर न जाए। अब क्लोवी को सब कुछ समझ आ चुका था कि डायना उसकी माँ नहीं है। जब डायना आती है तो क्लोवी उससे पूछती है क्या मैं बचपन से बीमार थी या आपने मुझे बीमार बना दिया और उससे सभी लेटर के बारे में पूछती है। डायना उसे बताती है कि यह सब फेक है, मैंने तुम्हें उनसे बचाया है और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। डायना बेसमेंट में एक लिक्विड बना रही थी, बनने के बाद उसे इंजेक्शन में लोड कर रही थी। ये इंजेक्शन क्लोवी को लगते ही उसकी याददाश्त चली जाती। इससे पहले कि डायना उसे इंजेक्शन लगाती क्लोवी खुद को एक स्टोर रूम में लॉक कर लेती है और एक फर्टिलाइजर पी लेती है। अब मजबूरन डायना को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। क्लोवी के मुंह पे पाइप लगाकर सब केमिकल निकालते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब क्लोवी ने खुद से लिया था लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह सब केमिकल उसकी माँ ने उसे दिए हैं। डॉक्टर डायना को बताते हैं कि क्लोवी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। अंदर क्लोवी नर्स से कापी कलम मांगती है और उसे लिखकर कुछ समझाना चाहती थी। नर्स क्लोवी को कापी कलम देती है। तभी नर्स को एक इमरजेंसी आ जाती है और वह बाहर चली जाती है। उसके बाद अंदर डायना आती है और क्लोवी को व्हील चेयर पे बैठा कर सबकी नजर से छुपा कर ले जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद क्लोवी व्हील चेयर को रोक देती है और उसे लगता है कि उसके पैर में जान आ गई है। वह खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। दूसरी ओर नर्स जब क्लोवी के रूम में जाती है तो वहाँ उसे मोम लिखा हुआ मिलता है। वह समझ जाती है और हॉस्पिटल में सबको अलर्ट कर देती है। गार्ड डायना को घेर लेते हैं। तभी डायना उन पर गन तान लेती है। गार्ड के बहुत कहने पर वह गन नहीं हटाती। मजबूरन गार्ड को डायना के ऊपर गोली चलानी पड़ती है। डायना गिर जाती है और अब कहानी 7 साल आगे जाती है जहाँ पता चलता है कि क्लोवी ने अपने फैमिली को ढूंढ लिया है और अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि डायना अब भी जिंदा है और क्लोवी उससे मिलने जाती है और उसे वही दवा खिलाती है जो डायना ने उसे खिलाई थी। क्लोवी चाहती है कि डायना भी वही दर्द महसूस करे जो
क्लोवी ने महसूस किया है। अब डायना भी धीरे धीरे पैरालाइज होती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।